नमस्कार, मैं रिया आहूजा, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। विश्व विख्यात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का पंजाबी बाग में 1 सितंबर को भव्य शुभारंभ किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश बंसल मुख्य अतिथि एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करती हुई एक से बढ़कर एक 18 झांकियां सजाई गई हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने झांकियों का दर्शन किया एवं जादू के खेल का आनंद लिया। यह आयोजन 7 सितंबर तक चलेगा। समिति के प्रधान रामबाबू सिंगल, महामंत्री राजकुमार गर्ग एवं कोषाध्यक्ष सतपाल गर्ग ने भी भक्तों को सपरिवार सादर आमंत्रित किया है। वेद लक्षणा गोचेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव के अंतर्गत चल रही 3 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा का आज अंतिम दिन है। बत्रा टेंट पीतमपुरा में 3 सितंबर तक आयोजित इस कथा में कथा व्यास पूज्य श्री नवनीत प्रियदास जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण कर श्रद्धालु भक्त परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कथा सायंकाल 3:30 बजे से प्रारंभ होकर 7 बजे तक चलेगी। यहीं पर सोमवार 7 सितंबर को सायंकाल 6 से 9 बजे तक श्रद्धे श्री अजय याग्निक द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जबकि 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चातुर्मास महोत्सव के संयोजक आलोक सिंघल, दिल्ली NCR इकाई के मुख्य संरक्षक सुभाष अग्रवाल, चेयरमैन राकेश बिंदल एवं अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गर्ग ने सभी गौ भक्तों से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन मेडिकल विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन सत्यनारायण गुप्ता हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में रविवार 3 सितंबर से चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ट्रस्ट के प्रधान सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में ट्रस्ट की टीम एवं प्रमुख दानदाताओं की उपस्थिति में विधिवत हवन पूजन के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। ट्रस्ट के वरिष्ठ उप प्रधान राजेश गुप्ता ने बताया कि इस अस्पताल में सभी अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेगी। यहां पर अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रविवार 3 सितंबर को शाम 5 बजे से केदारनाथ साहनी सभागार सिविक सेंटर में महाभारत नाटक का मंचन किया जाएगा। संस्था के चेयरमैन एवं संस्थापक संरक्षक OP बागला ने बताया कि प्रख्यात डायरेक्टर व अभिनेता पुनीत इस्सर द्वारा निर्देशित इस नाटक का मंचन मुंबई के फिल्मी व टीवी कलाकारों द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक KC लाठ, राजेश्वर गुप्ता, सुमन कुमार गुप्ता, हरीश नारसरिया, क्षितिज मित्तल व नीरज गोयल हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों ने 26 अगस्त को भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत हरियाणा का 1 दिवसीय दौरा किया। दौरे का नेतृत्व विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर ओमवीर सिंह एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर परवेश अली ने किया। डायरेक्टर वैभव गुप्ता ने बताया कि 2001 में स्थापित भारत टेस्ट हाउस विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करती है। इस दौरे में कुलपति प्रोफेसर RK सिन्हा, डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर कीर्ति पाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष विद्युत डॉक्टर MA अंसारी एवं विभागाध्यक्ष यांत्रिक डॉक्टर धर्मवीर मंगल ने भी छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शित किया। अपने संपादकीय लेख में श्री राजेश गुप्ता ने देश में पर्व एवं त्योहारों की तिथियों में विभिन्नता पर चिंता जाहिर करते हुए ऐसे उपाय करने की जरूरत बताई है जिससे लोग प्रत्येक पर्व को एक ही तिथि पर एक साथ मिलजुल कर मना सकें।
श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि कोई भी हिंदू पर्व हो वह किसी एक दिन की बजाय दो अलग अलग तिथियों में मनाया जा रहा है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जब पर्व एक है तो दो अलग तारीख क्यों? क्या हर त्योहार पूरे देश में एक ही तिथि पर नहीं मनाया जा सकता? श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि इन सवालों की तह में जाने पर मालूम चलता है कि पंचांग और गणना अलग होने से हमेशा ही तारीखों में अंतर आ जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश में एक ही पंचांग को मान्यता दी जाए, तभी पूरे देश में कोई भी त्योहार एक ही दिन मनाया जा सकता है। भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय महिला विभाग द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव रविवार 3 सितंबर को NDMC कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में सायकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक ध्रुव शर्मा एवं स्वर्णाश्री द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल का सानिध्य भी समारोह को प्राप्त होगा। आयोजन में परिषद की राष्ट्रीय महिला विभाग की चेयरपर्सन दर्शना गोयल, प्रधान सोनल रासीवासिया, कार्यकारी प्रधान कुसुम दारुका, उप प्रधान माधुरी अग्रवाल, महामंत्री प्रवेश लता अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष निधि गुप्ता आदि की प्रमुख भूमिका है। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग एवं अभी तक स्वाभिमान फाउंडेशन शाहदरा दिल्ली द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक पंकज अग्रवाल, चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया एवं प्रधान श्रीमती पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि 4 सितंबर को शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर का जादुई इंद्रजाल व तत्पश्चात रात्रि 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक निशुल्क चिकित्सा शिविर में सेवा कर रहे दानदाताओं, डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम द मेडन क्राउन बैंक्वेट हॉल पीरागढ़ी चौक में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश भाजपा मंत्री नरेश एरन होंगे। इनर व्हील क्लब राजेंद्र प्लेस द्वारा 27 अगस्त को श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट पंजाबी बाग के वेद प्रकाश जिंदल मेमोरियल हॉल में मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक गिरीश सोनी और उनकी धर्मपत्नी ममता सोनी सहित करीब 120 से अधिक व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। महाराजा अग्रसेन अस्पताल एवं नारायणा अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने अपनी बेहतरीन चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की। आयोजन में इनर व्हील क्लब की ओर से प्रेसिडेंट मधु अग्रवाल, सेक्रेटरी ज्योति मेहता एवं ट्रेजरार सुनीता कोचर की प्रमुख भूमिका रही। अपने संपादकीय लेख में श्री अक्षय गुप्ता ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली में हो रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है, ताकि सम्मेलन के बाद भी दिल्ली लंबे समय तक सजी सवरी नजर आए। श्री अक्षय गुप्ता ने कहा कि निसंदेह G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारे देश के लिए गौरव की बात है, जिसमें कई देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इसको लेकर राजधानी में सौंदर्यीकरण का काम जोरों पर है। राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्री अक्षय गुप्ता ने कहा कि सौंदर्यीकरण के जो भी कार्य हो रहे हैं वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ना हो, बल्कि उनकी गुणवत्ता इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वे लंबे समय तक बरकरार रहें। श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी ने वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अमित सिंगल द्वारा सर्व समाज की सेवार्थ किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें नगर अध्यक्ष रोहिणी पश्चिम नियुक्त किया है। नगर अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए
डॉक्टर अमित सिंघल ने विश्वास दिलाया है कि वे खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम को दुनिया का आठवां अजूबा बनाने एवं विश्व स्तरीय दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सेवारत टीम के साथ सहयोग करते हुए रोहिणी क्षेत्र के अधिकाधिक श्याम प्रेमियों को संस्था के साथ योगदानकर्ता के रूप में जोड़ने का कार्य करेंगे। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा ने कृषि और संबद्ध विज्ञान तथा प्रबंधन के अत्याधुनिक क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण और गुणवत्ता स्नातकोत्तर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम बी चेटी और NAARM हैदराबाद की ओर से डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। हैदराबाद संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव के साथ संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जी वेंकटेश्वर लू भी इस समझौते में संयुक्त रूप से शामिल हुए। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।